जितना पढ़े हैं उसमें कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो हम लोग मैग्नेटिज्म देख रहे थे, और मैग्नेटिज्म में देख रहे थे कि अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लग रहा था क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, और उस फोर्स जो था वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड था, इस वजह से वो सर्कुलर मोशन टाइप का होता है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम लोगों ने देखा था कि कैसा पाथ वो फॉलो कर सकता है एक चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिससे रिलेटेड है। अब नेक्स्ट है कि हो सकता है कि हमारे रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहने का मतलब ये है कि इसमें बोथ यानी कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों, ठीक है, तो दोनों रहता है। तो जो फोर्स होता है ये हम लोग लॉरेंज फोर्स से देते हैं, और ये एफ इक्वल टू क्या आता है तो क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा जो है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो अगर किसी चार्ज पे ये दोनों फोर्सेस लगेंगे तब उसका पाथ कैसा होगा, वही चीज हम लोग को यहाँ डिस्कस करना है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों फील्डें लग रहे हो तो कितना होगा, ये चीज हमें निकालना है। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं केस वन, ठीक है, केस वन है यानी हम यहाँ पे ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है इस केस में, और हम चार्ज को रिलीज कर रहे हैं एट रेस्ट, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, चार्ज जो है रेस्ट से रिलीज्ड हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी है, चार्ज इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से अगर हम रिलीज करेंगे तो क्या होगा, एक मिनट, आरबीएच का भी क्लास है क्या कोई? पर अभी तो हम लोग का, हाँ उधर से लिंक भेजने के लिए मैसेज करा है, करते हैं। ठीक है, तो ये पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो केस वन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है और चार्ज को हम रिस्ट से रिलीज कर रहे हैं, यानी कि ऐसा सिचुएशन दे रखा है इसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसी डायरेक्शन में हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है, ब्लू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसमें किसी एक चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं कि चार्ज क्यू है, मास एम है, यहाँ इसे रेस्ट है, रेस्ट से छोड़ रहे हैं, ठीक है, रेस्ट से क्या कर रहे हैं हम, रिलीज्ड, रिलीज्ड कर रहे हैं कि हम छोड़ दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये मूव करेगा या नहीं करेगा और पाथ कैसा होगा, बोलो। मूव करेगा, करेगा। इनिशियली हम देखेंगे किस पे ऐसा फोर्स क्यू इन टू ई लग रहा है सिर्फ,
इसी फोर्स के कारण ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम हम दे सकते हैं 0 + qv / m × t। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो qv लग रहा है, एंड मैग्नेटिक फोर्स अगर देखें तो t = 0 पे तो 0 ही है, लेकिन एट t = 0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स 0 है क्योंकि रेस्ट पे है। कुछ देर के बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इतना हो जा रहा है, लेकिन ध्यान से रहे कि ये जो वेलोसिटी है ये पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एंड आल्सो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम एट t = t पे भी बोल सकते हैं कि एफ इलेक्ट्रिक तो यही लग रहा है q × e, बट एफ मैग्नेटिक जो है अभी भी 0 ही। तो इस केस में जो है सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हमें दिख रहा है कि एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन होगा यानी कि लीनियर मोशन कर रहा होगा। लीनियर मोशन है तो पूछा जा सकता है कितने देर में कितना चला, ठीक है, इतना डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सवाल जो लिनियर में पढ़ते थे हम लोग, वैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। एक्सेलरेशन qv / time, वेलोसिटी इतना, टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी पूछा जा सकता है, बता सकते हैं हम लोग। सर ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो? हो सकता है, वो दूरी तो हमेशा परपेंडिकुलर रहता है ना, हमेशा ऐसा थोड़े जरूरी है, ठीक है, वो जब परपेंडिकुलर मोस्टली हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे से जनरेट होता है तब परपेंडिकुलरली होता है, देखेंगे हम लोग आगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि मान लेते हैं कि सोलेनोइड है, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेट्स हम यहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिए और इधर निगेटिव चार्ज भी रख दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, बना सकते हैं ना ऐसा? यस सर, ठीक है, वो तो परपेंडिकुलर होने का चांसेस है कि अगर फ्रीली अगर हम देखते हैं दूसरे से प्रोड्यूस होता है तब बोलते हैं कि वैसा है, देखेंगे वो सब चीज सारा कुछ आएगा धीरे कर एक एक करके। तो इस केस में किसी को दिक्कत? नो सर, ठीक है, इसी में हम बोल सकते हैं बनाने के लिए कि बहुत सारे केसेस बनाया जा सकता है, तो हम लोग 2-3 केस ही देखेंगे। वेलोसिटी को बोल रहा है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, पैरेलल ही है, ठीक है, पैरेलल ही है, एंटी पैरेलल हो दोनों में से कोई दे सकता है। यहाँ पे अगर बोल रहे हैं कि ऐसा सिचुएशन है एंड वेलोसिटी जो है ये परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसा सिचुएशन होगा, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये जो है मैग्नेटिक। अब बोल रहा है कि हम चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली इससे फेंकते हैं, तो भी हम इधर फेंक दिए, तो इस केस में बताओ क्या होगा? सर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यों नहीं लगेगा ये बताओ। सर परपेंडिकुलर है तो, परपेंडिकुलर है तो क्या है, चार्ज है, चार्ज किधर भी मूव कर रहे, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना थोड़े है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यस सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना फोर्स लगाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो पार्टिकल मूव करे, रेस्ट में करे, डांस करे, कुछ भी करे, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो लगाएगा, बात मानते हो?
ठीक है, यस सर। तो इस केस में हमें फोर्स की अगर बात करें तो क्यूवी जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग ही रहा है, और वो क्यूवी किधर लग रहा होगा, तो इधर की तरफ, ठीक है। और वी क्रॉस बी देखते हैं तो यहां से हमें दिख रहा है कि इन टू द प्लेन जो है मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस सिचुएशन में, दिख रहा है ये। और एफ एम देख रहे हैं तो हमें क्यू भी मिल रहा है और वो इनटू द प्लेन मिल रहा है। चलो इनटू द प्लेन है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे यही फर्क पड़ेगा कि ये जो है कैसे सर्कुलर पाथ करेगा, यानी कि ये जो है सर्कुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और ये जो होगा मूव्स फॉरवर्ड, ठीक है। पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में कौन घुमाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स, उसे आगे कौन लेके जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ध्यान से दिख रहा है कि हमारा ये ऐसा सर्कल करना चाहिए था, लेकिन ये ऐसा सर्कल नहीं करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है तो ध्यान से देखें तो भी जो है कांस्टेंट नहीं रह रहा है, भी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। इधर हम एक्स बोल रहे हैं, इधर वाई बोल रहे हैं। भी एक्स जो है कांस्टेंट नहीं है बल्कि जीरो इंटू क्यू ई बाई एम इंटू टी, यानी कि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। हाँ, ये भी जो है वी नॉट हम बोल रहे हैं तो ये हम कांस्टेंट दे रखे हैं, तो सर्कुलर का रेडियस जो है एम वी नॉट बाई क्यू वी तो होगा, ठीक है सर्कुलर, लेकिन पूरा सर्कल सिर्फ रहता तब, अब सर्कुलर तो रह नहीं जाएगा। और अगर हमसे बोला जाए कि टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, तो टू पाई एम बाई क्यू वी ही होगा, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, यानी कि ये सब चीजें हम जानते हैं, तो ये सारे चीजें अगर हम माइंड में रखें तो पाथ अब हम आराम से बता सकते हैं। ध्यान से देखो तो वी एक्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, टाइम पीरियड सेम है, तो ये पार्टिकल जो है ऐसा मूव तो करेगा, लेकिन इसका पीच क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बोलो। यस सर, यस सर, ठीक है, पीच बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं पीच, तो पीच होता है क्या, वी एक्स इंटू टी होगा, यानी कि हमें दिख रहा है क्यू ई बाई एम इंटू टू पाई एम बाई क्यू वी इंटू टी, ये फंक्शन ऑफ टाइम टी आ रहा है, तो कुछ कट रहेगा क्यू बाई एम टू पाई ई बाई बी इंटू टी दिख रहा है, तो ये चीज है फंक्शन ऑफ टाइम टी आ रहा है, तो पीच जो है हमारा वो टाइम के साथ चेंज होगा, दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्लियर है, इलोंगेट होता जाएगा जैसे जैसे ये आगे, यानी राउंड बनाएगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, तो इसका पाथ है सब। तो कभी भी ऐसे ऐसे सिचुएशन से मिले तो आराम से अपना दोनों चीज को अलग अलग सोच के हम लोग सॉल्व कर सकते। सर ये पाथ के लिए कोई स्पेसिफिक टर्म होता, बोल देते हेलिकल टाइप का है, स्पाइरल टाइप का है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेटली नहीं है, मतलब उस टाइप का बोल देते हैं, ठीक है, ये इलॉन्गेटेड हो रहा है। केस थ्री ये लास्ट ही देखेंगे, बनने को बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यही क्यू जो है रेस्ट पे है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ही ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं ऐसा इनटू द प्लेन, अगर हम इस पॉइंट से किसी एक चार्ज क्यू को मास एम में छोड़ते हैं तो क्या होगा, बोलो
कैसा पाथ होगा। कभी भी पार्टिकल का डिस्टेंस ये सब का बात करेगा तो दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग सोच के करना है। यहाँ ध्यान से देखो तो एट टी इक्वल टू जीरो क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स कीवी लग रहा है, कीवी लग रहा है किधर? तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हमें दिख रहा है क्यूवी बाई एम लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वी इज इक्वल टू क्यूवी, इनिशियली रेस्ट पे था, क्यूवी बाई एम इंटू टी। यानी कि एक्स डायरेक्शन में हमें दिख रहा है कि वी जो है बढ़ता चला जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स की बात करें तो इनिशियली तो जीरो था, लेकिन अब भी आ गया है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। तो इस पॉइंट पे मान लो कि यहाँ पे इसके पास भी वेलोसिटी है तो क्या वो फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा? लग रहा होगा। यानी कि एट एनी टाइम अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ये अब नॉन जीरो है। ठीक है, ये कितना होगा? तो हम बोल सकते हैं एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी इंटू बी होगा। भी कहाँ है? तो ऊपर वाले टर्म से, यानी कि ये जो दिख रहा है हमें मैग्नेटिक, ये भी अब टाइम वेरिएबल है। ये कितना हो जाएगा? क्यू 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 स्क्वायर ई बी बाई एम इंटू टी। ठीक है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी दिख रहा है, टाइम टी का फंक्शन है। यानी कि ये भी समय के साथ चेंज हो रहा होगा। yes, मैग्नेटिक फोर्स समय के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी समय के साथ चेंज हो रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रेडियस जो होगा वो भी फंक्शन ऑफ टाइम टी होगा, वो भी समय के साथ चेंज हो रहा होगा, एम बी बाई क्यू भी होता है। बोल सकते हैं। yes, तो, ये चीज तो आ गया हमारे, इतना जिस कॉन्सेप्ट है पाथ पे आते हैं। ये हम मान लेते हैं हमारा लाइन है, इस पे अब तुम लोग सोच के बताओ कैसा पाथ होना चाहिए। तो थोड़ा सा स्ट्रेट, उसके बाद सर्कुलर होगा और फिर रेडियस बढ़ते जाएगा। रेडियस भी बढ़ेगा और स्पीड भी, वेलोसिटी भी, पिच भी। और एक चीज ध्यान से, तो इसका जो सर्कुलर पाथ होता है ऐसा है, दिख रहा है सर्कुलर पाथ ऐसा है। ठीक है, तो ये इस तरीके का, मतलब पीच भी बढ़ेगा और ये सर्कल भी ऐसा बढ़ता जाएगा, ऐसा होगा। यस सर। ठीक है, कैसे राउंड 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 कोनिकल शेप में लगेगा कि हमें आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, स्पाइरल ही है लेकिन कोन की तरह बढ़ रहा है, तो जो हम लोग सोलेनोइड वाला देखे थे वैसा नहीं। ठीक है, पिच अगर हमें फाइंड करना होगा तो टाइम पीरियड फिर से सेम ही रहेगा, हम इसमें लिख सकते हैं जो भी वी इंटू टाइम पीरियड है यही हमारा पिच होगा। किसी भी टाइम के बाद या किसी भी पिच के बाद हमें रेडियस पूछेगा, कुछ समय रेडियस कितना होगा, तो रेडियस उस समय का वेलोसिटी पुट कर देंगे, एम बी बाई क्यू भी कर देंगे। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, तो ऐसे से बहुत सवाल दिए जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, नहीं, एक मिनट यहाँ ध्यान से देखो,
ये सर्कुलर पाथ ऐसा होगा ना, दिख रहा है फोर्स इसके सेंटर पे इसी प्लेन में होना चाहिए, फोर्स और वेलोसिटी के प्लेन में। बोलो बोलो, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, वेलोसिटी जो है इधर की तरफ है, इसका सर्कल इधर होना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो सर्कल अगर इधर होगा तो उसका पाथ ऐसा होगा। मान लेते हैं कि हमारा प्लेन है जिसपे है, जिसपे ये चार्ज रखा हुआ है, उस पे ध्यान से देखो कि अगर हम वहां से देखते हैं तो ये जो है ऐसा पीछे भी घूम के आ रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, दिख है, और रेडियस भी बड़ा होते जा रहा है। नहीं, गजीब टाइप का कुछ ऐसा शेप बनेगा। ऐसे स्पाइरल टाइप का। ठीक है, ये वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है, रेडियस भी बढ़ता जा रहा है पार्टिकल, यानी कि ओनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होता तो ऐसा होता, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो ऐसा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसा घूम तो रहा है, ये आगे की तरफ ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका पाथ इन दोनों का कंबाइंड कुछ होगा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं, ये आगे बढ़ेगा मतलब ऑन द प्लेन ही, आउट ऑफ द प्लेन नहीं, प्लेन में ही रहेगा, क्योंकि सर्कल जो है हमारा ये प्लेन ऑफ द पेपर में ही घूम रहा है, पार्टिकल जो है इसी प्लेन में रह रहा है, दिख रहा है, तो उसी प्लेन में रहेगा, ऐसा सर्कल करेगा, मतलब ऐसा कुछ। अब जी कहां से कट करेगा ये हम नहीं कर सकते, यानी कुछ अजीब टाइप का ये बात हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर आएगा कि नहीं आएगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि रेडियस कितना है क्या है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, आगे भी बढ़ते जाएगा, उसका सर्कुलर भी बढ़ता जाएगा, और ये प्लेन ऑफ द पेपर में ही रहेगा। बात समझ आ रहा है? यस सर। तो ऐसे से सवाल किधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देख के हमसे पूछा जा सकता है, तो कर सकते हैं। दोनों को हमेशा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर रहे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स ऑन अ करेंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो क्लास 10th में एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल दिया जाता है कि एक रॉड को मरकरी में डिप करके रखते हैं, फिर करंट पास करते हैं तो डिफ्लेक्ट करता है, याद है एग्जांपल? नो सर, नहीं याद है। एक ऐसा था ना कुछ कि एक कंडक्टर को ऐसा स्टैंड से खड़ा करे हुए थे, फिर यहाँ से ये हुक में ऐसा लगा हुआ था, यहाँ पे मर्क्यूरी भी डाल के रखते हैं, फिर यहाँ से एक बैटरी से कनेक्टेड इसे आके यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर इसमें से करंट पास हो रहा है तो इसमें जो करंट जाएगा, और इधर की तरफ हम लोग नॉर्थ पोल मैग्नेट रख देते हैं, इधर साउथ पोल मैग्नेट रख देते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में है,
तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट जाता है तो इसमें जो है डिफ्लेक्शन आता है, यानी कि किसी एक डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट करता है। तो इससे हम लोग को पता चलता है अगर हम इस करंट को बंद कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं उस समय डिफ्लेक्शन होता है। तो ये यहाँ से यही समझ में आता है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। क्लास टेंथ में हम लोग यही चीज के ऊपर फिर पढ़े थे कि इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड जो है हमारा मोटर कंस्ट्रक्टेड था। मोटर जो हम लोग पढ़े थे कि दो मैग्नेट के बीच में एक कॉयल रखते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं तो गोल गोल घूमने लगता है, याद है? यस सर। उसी मोटर को हम लोग पंखा में यूज कर लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी चीज का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो फोर्स कितना लगेगा, किधर लगेगा, उसी सब के बारे में यहाँ पे चर्चा करें। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा, वहीं से पता चलेगा हमें। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन है, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में लेट से कि करंट जो है आई इस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, ये करंट आई जो है ऊपर की तरफ बह रहा है। इसका लेंथ है एल, इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लेते हैं कि ए, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है। तो फिलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो है इनटू द प्लेन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है और करंट ऊपर की तरफ है, ये हमको ऊपर ऊपर से दिख रहा है। अब थोड़ा बहुत हम इसके इलेक्ट्रॉन्स पे जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे होंगे हमें दिख रहा है क्या, बताओ? सर नीचे तरफ, नीचे की तरफ, कितने स्पीड से, वीडी ड्रिफ्ट स्पीड से, ड्रिफ्ट स्पीड से घूमता है। पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते थे, पॉजिटिव चार्ज लेते तो करंट की डायरेक्शन में हमें स्पीड दिखाते, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन करंट का अपोजिट डायरेक्शन जाता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन वीडी से जा रहा होगा। वीडी यहाँ क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो कि हम लोग लास्ट क्लास लास्ट चैप्टर में इसे डिराइव किए थे हम लोग। तो अब यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को ध्यान से हम देख रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ देख रहे हैं तो इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन लग रहा है, इसका स्पीड वीडी नीचे है, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बता सकते हो, राइट साइड? यस सर, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा? माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है ना? यस सर। तो माइनस चार्ज है तो क्या होता है, भी क्रॉस बी का अपोजिट हो जाएगा। यस सर। तो फोर्स इधर लग रहा है, खैर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, E इंटू वी डी इंटू पी। अब ये फोर्स जो है दिस इज फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो फोर्स है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स की हम बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में एक एन टर्म होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हमें कितना दिख रहे होंगे, बोलो, n इंटू वॉल्यूम
यही होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ने हैं तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि फोर्स ऑन टोटल चार्ज कितना होगा। यस सर। कितना होगा तो टोटल चार्ज हम निकाल लेते हैं पहले, या फिर इसी से रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो ये एफ टोटल की बात की जा रही है। तो ये एफ टोटल कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स था इतना था, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है इतना है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना होगा, एन वी ए वी डी एल वी डी इंटू बी ए होगा, होगा बोलो। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ये चार्ज जो है निगेटिव है, तो माइनस एन ई ए एल वी डी क्रॉस बी, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ यहाँ ध्यान से देखो तो एन ई ए वी डी जो होता है वो करेंट होता है, ठीक है, एन ई ए वी डी करेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन करेंट के अपोजिट डायरेक्शन जाता है, तो हम करेंट तो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी किस पे चढ़ा देंगे, एल पे, और हम इसे लिख लेंगे आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो जाता है एल वेक्टर, हम बोल रहे हैं वेक्टर अलोंग फ्लो ऑफ करेंट। यहाँ ध्यान से देखो माइनस साइन क्यों हटा, तो हम जानते हैं कि एन ई ए वी डी जो होता है ये होता है करेंट। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की चार्ज रखे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट के अपोजिट डायरेक्शन, यानी वी डी का डायरेक्शन करंट के अपोजिट होता है, ठीक है, तो इसलिए वो माइनस साइन हट गया, क्लियर है। क्योंकि माइनस साइन आया क्यों था फोर्स, ये यहाँ पे ऊपर तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं, यहाँ हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है वो भी तो रखना पड़ेगा ना हमें। जैसे हम एफ इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी लिखते हैं, तो ये तो वी क्रॉस बी, इसका भी साइन हमें इम्पोर्टेंट है डायरेक्शन के लिए, साइन रखना पड़ेगा। बात समझ आया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस होता है, तो इसलिए हम माइनस रखे थे। अब वो माइनस वी डी, अगर हम पॉजिट्रॉन लेके सॉल्व किए रहते तब तो माइनस आता अभी नहीं, डायरेक्ट लिख सकते थे। यहाँ से हमें फोर्स कितना मिल रहा है, तो ध्यान से देखो फोर्स मिल रहा है आई एल बी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। ये भी फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, ध्यान से दिख रहा है कि हमें एल वेक्टर और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर ही फोर्स मिलने वाला है, ठीक है। इतना बात में किसी कोई कष्ट, नो सर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स से रिलेटेड, जैसे पॉइंट है पहला, ये फोर्स जीरो कब हो सकता है बोलो, जब करंट थीटा कितना हो, जीरो डिग्री हो, करंट हो, सब तो हमें करंट कैरिंग कंडक्टर पे ही फाइंड करना है, तो 180 डिग्री ये होना चाहिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो होगा तभी होगा, ये तो है, लेकिन एंगल के ऊपर देखे तो अगर थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तभी हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है
कि अगर इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट जो लूप कॉइल रखा होगा कंडक्टर होगा वो या तो ऐसा हो या फिर ऐसा करंट कैरी कर रहा हो, दोनों पे फोर्स क्या लगेगा? जीरो। क्लियर है? सेकंड, कभी कभी ऐसा सिचुएशन हमें मिल सकता है कि ये जो वायर है कंडक्टर है ये हमें सीधा ना मिले, ऐसा मिले, हो सकता है ऐसा, हो सकता है ना, वायर है मिल सकता है। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ P से Q तक ये वायर है और इसमें करंट जो है ऐसा बह रहा है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा बोलो? यहाँ अगर हम छोटा सा एक dl वेक्टर लेते हैं तो इस dl के लिए df जो हम फोर्स लिखेंगे क्या लिखेंगे? I dl क्रॉस B, यही लिखेंगे क्योंकि करंट तो उसमें आ ही बह रहा है और मैग्नेटिक फील्ड हम बी में ही रखें। तो इसे हम यहाँ पे ऐसे इंटीग्रल साइन लगा सकते हैं जब हम इसे दोनों तरफ जोड़ना जा रहे हैं। किसी को इसमें कोई कष्ट? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर हम ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे डीएल वेक्टर को अगर हम यहाँ से यहाँ तक जोड़ें तो वही चीज ये इंटीग्रेशन देगा। ठीक है, इधर तो हमें फोर्स F मिल जाएगा, इधर हमें आई आई है, ये इंटीग्रेशन क्या देगा डीएल का P से Q तक अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो? टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ देगा वेक्टर फॉर्म में। यस सर, मतलब वही वेक्टर P से Q का देगा। हाँ, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है PQ वेक्टर यही देगा। यस सर। क्रॉस। ठीक है, तो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा रहे तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो फोर्स मिलेगा वो हम क्या मिलेगा, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को हम मिला देंगे, डायरेक्शन भी उसी का देखेंगे। तो दिख रहा है PQ क्रॉस P है तो हम मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर इधर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, ये चीज। थर्ड, अगर मैं क्लोज लूप रख देते हैं तब कितना फोर्स होगा? नेट फोर्स। ऐसा एक क्लोज लूप है, करंट इसमें से बह रहा है, उल्टा बता, उल्टा बहाते हैं, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? जीरो। जीरो सबको दिख रहा है? ठीक है, क्लोज लूप है, जहां से भी शुरू वहीं पे खत्म। तो P अगर यहां से है तो Q भी यही है, तो हम बोल सकते हैं आई पी क्यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर ही जीरो है तो ये भी हमें जीरो मिलेगा। ऑल्सो ऐसे भी देख सकते थे कि अगर छोटा छोटा हम एलिमेंट ले लें तो हमें दिख रहा है कि आई क्रॉस बी फोर्स जो है हर पॉइंट पे हमें ऐसा बाहर की तरफ लगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये सब फोर्सेस हमें लग रहा है। अगर ये फ्री टू लूज हुआ तो इसका जो शेप होगा वो ऐसा हो जाएगा गोलाकार। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लास्ट क्लास को एक ऐसा कंप्रेशन वाला क्वेश्चन पूछा था, तुम्हें लोग मुझसे पूछे थे। सर, हम लोग का अभी इसका नहीं हुआ डाउट क्लियरिंग। अच्छा, तब दूसरे लोग पूछे होंगे। तो यहाँ पे देखो कि फोर्स हम बाहर ले लिए हैं तो इसमें हमसे टेंशन पूछा जा सकता है कि इस पोर्शन में टेंशन कितना डेवलप हुआ है। ठीक है, तो जैसा पहले का प्रोसेस है वैसे ही हम लोग फाइंड कर लेंगे, यहाँ से जाएंगे टीटी करेंगे सॉल्व करेंगे। खैर, यहाँ ध्यान से एक चीज और देखना है कि हम ऐसा देख सकते हैं
कि इसका छोटा पोर्शन यहाँ पे, उसका अपोजिट यहाँ पे, मतलब हर एक पॉइंट का एक इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो टोटल नेट मिलके जो है एफ नेट हमें जीरो मिल रहा है। ठीक है, ऐसा अगर इस पॉइंट को पी, इस पॉइंट को क्यू बोल दें, तो करंट जो है ऐसा बह रहा है, तो दिख रहा है इस पी क्यू पोर्शन पे, राइट साइड वाले पे पी क्यू क्रॉस बी करेंगे इस पे फोर्स इधर एफ आएगा, और वही इधर करेंगे तो इधर फोर्स आएगा। डिस्प्लेसमेंट सेम है, करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो दोनों हाफ पे फोर्स भी सेम लगेगा और हम लोग बोल सकते हैं कि एफ नेट जीरो होगा। तो जैसे सोच सकते हो वैसे सोच के बोल सकते हो कि एफ नेट क्या होगा, जीरो। यहाँ पे बताना पर्पस था, ये बात हमें ध्यान रखना है, नेट फोर्स जीरो। हेलो, अभी भी कट रहा है? नो सर, अब सही है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं, बात हमेशा याद रखना है कि नेट फोर्स जीरो है, फिर कटने लगा। हेलो हेलो, यस सर, आ रहा है क्लियर? यस सर। ठीक है, तो वही चीज बोल रहे हैं कि ये बात ध्यान रखना है कि नेट फोर्स जीरो है, लेकिन अगर हम किसी एक पार्ट, छोटे से पोर्शन का फोर्स की बात करेंगे तो उस पोर्शन पे फोर्स जीरो नहीं। क्लियर है? बेस्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा इनटू द प्लेन है, एक ट्रेंगल रखा हुआ है, बीच में इक्विलेटरल ट्रेंगल है, साइड 20 सेंटीमीटर है, करंट जो ऐसे बह रहा है, इसमें आई का वैल्यू दे रखा है वो 2.5 एम्पियर है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन है 2 टेस्ला, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोल रहा है फाइंड फोर्स ऑन ईच साइड, किसी भी एक साइड पे फोर्स कितना लग रहा होगा ये बताना है। सर 5 न्यूटन। 5 न्यूटन, ठीक है। सर मेरा तो 10 आ रहा है। 10 कैसे आ रहा है बताओ? 10, 5 भी गलत है। 10 ही आ रहा है। देख लेते हैं, किसी भी एक साइड की बात की कर जा रही है, तीसरी साइड को हम लेते हैं, साइड लेंथ कितना है 20, फोर्स किधर लग रहा होगा इधर, ये जो फोर्स होगा तो परपेंडिकुलर है ही, तो 2.5 IL × B करेंगे, तो 5/10, 5 × 10 तो 1 न्यूटन आ रहा मेरा। कहाँ गलती कर रहे थे? सर मीटर में चेंज नहीं किए थे। सब ऐसा यूनिट में है तो एक सीरियस में क्यों रहेगा? ठीक है, सेकंड वाले में Thank you.
तो जीरो। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है कि PQ जो वेक्टर है वो पैरेलल टू B वेक्टर है, और पैरेलल है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। डायरेक्टली बोल सकते हैं पैरेलल है, पैरेलल है यानी कि यहाँ पे जो थीटा है वो जीरो है, तो साइन जीरो डिग्री जीरो होता है, जैसे बोलना है बोल सकते हैं। क्लियर है? यस। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे ऐसे सवाल दिए रहेंगे कि हमें फाइंड करना है, कुछ इस तरह के सवाल भी रहते हैं कि हमें बोलेगा कि ये रेल है। ठीक है, रेल क्या होता है सबको पता है, जिस पे रेलगाड़ी चलती है, जो पटरी होता है उसे रेल बोलते हैं। ठीक है, तो वैसा ही कुछ सिस्टम होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि रेल। ये जो है रेल है हमारा, इसका रेजिस्टेंस जो है जीरो है। इसे हम यहाँ पे एक ऐसा बैटरी से कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करें, इसमें रेजिस्टेंस भी है मान लो, खैर उससे जरूरत नहीं है। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करवा ले, लेकिन हम यहाँ पे दे रहे हैं कि इसमें करंट आई बह रहा है, और यहाँ पे इस एंड पे एक ऐसा रॉड रखा हुआ है जिसका लेंथ जो है बी ले लेते हैं, के लिए उसके लिए बी। ठीक है, अब इस रीजन में जो है, इधर इस रीजन में ऐसा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड स्पीड ऑफ रॉड। ठीक है, ये रॉड जो ए बी है, इसका रॉड ए बी व्हेन इट लीव्स द रेल। ठीक है, वो जब रेल को छोड़ेगा तो उस समय इसका स्पीड क्या होगा, जबकि ये जो बोल रखा है ये स्मूथ है। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार और बता दूंगा। बोल रहा है कि ये जो रेल पे एक रॉड रखा हुआ है, ये फ्री टू मूव है। ठीक है, फ्री टू मूव है। अब हम करंट इसमें से पास किए हैं तो स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से। दिख रहा है कि इसमें करंट बहेगा, करंट बहेगा तो ये भागेगा, और भागेगा तो ये रेल को इस एंड पे यानी कि इस एंड पे आके लिफ्ट करेगा, तो जब लिफ्ट करता है तो उसका स्पीड क्या होगा वही हमें पता करना है। आ गया, सिंपल सा है। फोर्स किधर लग रहा होगा? राइट साइड में। ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स कितना लगेगा, तो आई एल बी आई फोर्स है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स है, चेंज तो हो नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई एल बी बाई एम, इसका मास सेम दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट हमें दिख रहा है एल है,
टाइम निकाला नहीं है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू एस, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू आई एल बी, एल की जगह बी है, बी बी इंटू कैपिटल एल डिवाइड बाई एम, यही होगा। Yes, sir. HC वर्मा रखे हो पास में? Yes, sir. तो HC भी क्वेश्चन नंबर 22 सेम इसी का आगे का थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें पढ़ के जल्दी से चैप्टर मतलब 35 सर मिल गया ये वाला, अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट आई इज बेंट टू फॉर्म अ प्लेन एंगल अल्फा, ये वाला सर पेज 251 में कहां पे, एक मिनट देख लें, पेज 233 पेज 232 35 वाला पूरा होमवर्क दिए थे ना करने के लिए चैप्टर? यस सर, यस सर, ठीक है, पेज 232 में मिल गया। यस सर, सर इसमें बस फ्रिक्शन ऐड कर दिया, बस नहीं ऐड किया, ध्यान से पढ़ो, अभी भी रेल स्मूथ ही है। हो गया, इसमें उल्टा ले रखा है डायरेक्शन, बाहर फर्क नहीं पड़ता है, करंट इधर से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन, इसमें करंट ऐसा जाएगा, आई क्रॉस बी, एफ फिर से इधर ही लग रहा है, ध्यान से देखो तो बोल रहा है कि ये जो सरफेस है ये स्मूथ ही है, इसके लिए फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये जब दूरी एल चल के ये बी दे रखा है यहां तक आता है तो इसके आगे का जो ये रीजन है ये रफ है और इसका फ्रिक्शन म्यू कह रहा है, ध्यान से देखो, the metal strips are smooth, but the coefficient of friction between the wire and the floor is mu. ठीक है, निकेल लेंथ के बाद जब फ्लोर मिलेगा तब म्यू है। यस सर, बन गया, समझ आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ये कितना आगे जाके कैसा मतलब मोशन बन जाएगा और कितने दूर के बाद जाके रुकेगा,
यहाँ जाके कहीं रुकेगा तो वही डिस्टिंक्शन डिफाइन करने बोल रहा है। बन गया? यस सर। कितना आ रहा है? कैसे किए हो सर? वो फाइनल स्टेज पे जब वो लास्ट पे था उस पे वी निकाल लिए और उसके बाद वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी और यू आ जाएगा वहां पे जो उसका वेलोसिटी था एंड पे और फाइनल वेलोसिटी जीरो। जीरो यस सर। ठीक ठीक है, ये कर सकते हो। दूसरा मेथड हम बता देते हैं, और कोई मेथड से गए हो? मेथड वन तो यही है कि वेलोसिटी हम लोग यहाँ का फाइंड करे ही थे, यहाँ से आगे फिर से एक बार लगा लेते, इसके आगे जब आएगा तो इस पे पीछे की तरफ म्यू एम जी फोर्स लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन जो हम कहेंगे तो एक्सेलरेशन जो है माइनस म्यू जी लग रहा है। यू स्पीड यहाँ से पता है, भी जो है जीरो है, एक समय पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेथड टू, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा सकते हैं, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं पूरे मोशन के दौरान? तो एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे ख्याल से तो जीरो ही है क्योंकि इनिशियल भी रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे ही रह रहा है। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो फोर्स लग रहा है आई एल बी, अच्छा आई बी बी, बी दे रखा है आई बी बी इनटू कितना दूरी के लिए? ठीक है, ग्रेविटी का क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर है। फ्रिक्शन के लिए क्या लिखेंगे? तो म्यू एम जी एन टू एक्स, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव में है तो निगेटिव, एक्स इक्वल टू, यहाँ से आसानी से हमें दिख जा रहा है, कुछ कुछ कटेगा क्या? एम जी म्यू एम जी, ठीक है, उससे भी यह होगा। यस सर। यस सर। अगर हम लोग पूरा मोशन के बाद जब वो छोड़ेगा वहां से भी अगर स्टार्ट करेंगे ना, तो हम लोग वहां पर भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ, तो पूरे रास्ते में कहीं से भी हम लगा सकते हैं, तो वहां से फिर से काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा, और इनिशियल फाइनल से किए तो इनिशियली भी रेस्ट पे है, फाइनली भी रेस्ट पे है, तो काइनेटिक एनर्जी का टेंशन हमारा खत्म हो गया। Yes, हम क्यों ज्यादा मेहनत करने जाए? 23 भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन और देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक, एक्चुअली में इसमें हमको टॉर्क फाइंड करना है। मान लेते हैं कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक क्वाइल रखा हुआ है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे आई बह रहा है, ठीक है, तो इस क्वाइल पे पहला तो क्वेश्चन यही है कि एफ नेट कितना होगा और सेकेंड कि टॉर्क नेट क्या होगा। इज दिस गिवन?
सिचुएशन। F net zero लूप है, तो जीरो होगा। टॉर्क नेट फोर्स का डायरेक्शन सब पे देखो, तो इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, ये सब फोर्सेस का डायरेक्शन लग रहा है। ये कोई सा भी फोर्स घुमाने का कोशिश कर रहा है क्या किसी भी एक एक्सिस के अबाउट? नो सर। टॉर्क भी क्या है? जीरो। क्लियर है? लेकिन यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम क्वाइल है। इस क्वाइल को हम अब ऐसे जो रखा हुआ था इनिशियल पोजीशन में वैसे अब नहीं रख रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस से थोड़ा सा ऐसा हम टिल्ट कर दिए, ठीक है, क्या कर दिया हम यहाँ से सा थोड़ा सा किसी एंगल पे टिल्ट कर दिए, यानी कि हम इसको यहाँ से एंगल इधर थीटा घुमा दिए। अब बताओ क्या होगा, करंट टॉर्क होगा या नहीं होगा, और करंट टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स तभी भी बोल सकते हैं कि जीरो ही होगा। यस सर। यस सर। टॉर्क बता दो क्या होगा। जीरो होगा क्या? इस दोनों सरफेसेस पे देखते हैं तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, ना घुमाना चाहेंगे ना कुछ भी। लेकिन इस दोनों के लिए अगर हम देखें ध्यान से, तो इस वाले के लिए फोर्स इधर लग रहा है और इस वाले पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, दिख रहा है? दिख रहा है? तो ये दो थोड़ा सा टिल्टेड है और दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो हमें दिख रहा है क्या कि ये ऐसा रोटेट हो जाएगा? ध्यान से देख के बोलो कि जो है अपने एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस के अबाउट हम घुमाए हैं इसे थोड़ा सा टिल्ट किए हैं, तो दोनों इन पकड़ के अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो मैं ज़ूम कर सकते हो कि कॉपी बीच में एक्सिस है, yes, हम उसका दोनों एंड को अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो क्या होगा, रोटेट करेगा। इस केस में हमें टॉर्क क्या मिल रहा है? नॉन जीरो। कोई दिक्कत इतना में? नो सर। विजुलाइज करना है, अगर दिक्कत होगा तो बोल सकते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमें टॉर्क जो है वो नॉन जीरो मिल रहा है। अब ये टॉर्क कितना होगा ये चीज हमें पता करना है, ठीक है, कि ये टॉर्क हमारा कितना आएगा। तो फोर्स, टॉर्क हम लोग जानते हैं कि टॉर्क और कुछ नहीं बल्कि आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है, या फिर इसे मैग्नीट्यूड के वाइज में हम लिखें तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इन आर परपेंडिकुलर यूज कर लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, ये यूज करते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हम एक अलग से फिगर बनाते हैं जिसमें आर एफ सब चीज क्लियरली दिखे। तो हम मान लेते हैं कि ऐसा हमारा ये लूप था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड तो है जो है ही, अब जो है इस लूप को हम इधर की तरफ ऐसा थोड़ा सा ये रोटेट कर दिए, ठीक
ठीक है, यानी कि हम इधर की तरफ ऐसा बोल रहे हैं कि इधर रोटेट कर दें, ठीक है। तो ये जो है हमारा पी क्यू आर एस है, तो ये हमें दिख रहा है पी डैश क्यू डैश आर डैश और ये एस डैश, यानी कि रोटेटेड वाला सरफेस दिख रहा है। हाँ थोड़ा टेढ़ा किया है तो लंबा हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो इस पॉइंट पे फोर्स जो लग रहा था, लेट से क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ रख रहे हैं, तो इसमें करंट जो है ऐसा बह रहा था, तो इसमें मान लेते हैं ऐसा जा रहा है, इधर से ऐसा जा रहा है, तो I क्रॉस B अगर करते हैं दिख रहा है किधर जाएगा फोर्स, बोलो ऐसा। यहाँ थोड़ा सा टिल्ट किए हैं, थोड़ा सा एंगल थीटा, तो ये ऐसा ऊपर ही रहेगा फोर्स रहेगा। सर वो समझ नहीं आया, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ये जो है पिंक कलर से जो दिख रहा है वो हमारा ओरिजिनल जो है शेप था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, हम इसे इस एक्सिस के अबाउट ऐसा थोड़ा सा थीटा हम रोटेट कर दिए, रोटेट किए हैं, तो ये पी डैश क्यू डैश आर डैश और एस डैश जो सरफेस एरिया मिल रहा है वो हमें मिल रहा है, दिख रहा है बोलो। इतना बात समझ में आएगी, यानी कि इस थीटा एंगल पे जो हमारा लूप है वो इधर से इधर करंट इसमें जा रहा है और इसमें करंट इधर से इधर जा रहा है, इस वाले में और इस वाले में, तो करंट की अगर हम देखेंगे तो इसमें करंट ऐसा आ रहा है, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, तो नीचे की तरफ आई क्रॉस पी, यानी कि इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे फोर्स नीचे इधर लग रहा है और ऊपर वाले पे ऊपर, तो इसे रोटेट कराना चाह रहा है, ठीक है, यानी कि इस सिचुएशन में फिर से इक्विलिब्रियम पे लाना चाह रहा है, ठीक है। तो खैर, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से ये चीज इसके एक्सिस से, तो ये हमारा आर वेक्टर होगा, ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल जो है थीटा ही दिख रहा है। टॉर्क अगर हम लिखेंगे तो आर एफ साइन ऑफ थीटा लिख सकते हैं या फिर एफ आर साइन थीटा। एफ आर साइन थीटा और कुछ नहीं बल्कि हमें ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला ध्यान से देखो तो ऐसा हमें एंगल बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि अगर हम इसे क्या नाम देते हैं बी बाई टू, ये जो डिस्टेंस था बी था और इधर अगर डिस्टेंस ए था तो बी बाई टू दिख रहा है, यस सर, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, हाँ 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 नहीं, हाँ नहीं और कुछ नहीं, हाँ हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तो दिख रहा है कि फोर्स तो आर एफ आर साइन थीटा, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि जो टॉर्क होगा वो एफ इंटू बी बाई टू होगा,
सर एफ आर साइन थीटा से डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा क्या? एफ आर साइन थीटा से डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगा? ये हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सॉरी, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड में तो हम कोई भी किधर लिख के कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो सर। ठीक है, अब r sin थीटा के साथ r को लगा दिए, तो r sin थीटा हमें परपेंडिकुलर वाला दिख रहा है, r परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमें b by 2 मिल जाएगा। क्लियर है? वैसे ही ये ऊपर वाले वायर पे लगा, जिसे हम टॉर्क 1 बोल दे रहे हैं, सिमिलरली नीचे वाले पे भी एफ बी बाई 2 ही आएगा। ध्यान से देखो तो ऑन क्यू डैश आर डैश, ये हम बोल रहे हैं ऑन पी डैश एस डैश, और दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो टॉर्क जो है हमें एफ बी मिल रहा है। इतना बात क्लियर है? अब ये जो फोर्स है वो कितना है, तो हियर एफ जो है वो कितना है बताओ, एक भी वायर पे बात करें तो आई ए बी है ना, क्योंकि पी ए सी वाला लेंथ जो है ए है, तो दिस इंप्लाइज डेट कि जो टॉर्क है हमारा वो कितना है आई ए बी इंटू बी। ए इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ लूप दिख रहा है क्या? यस सर। तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे आई ए बी। ठीक है, ए क्या है तो एरिया ऑफ लूप। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, क्यूबाइड है, सर्कुलर है, क्यूबाइड बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रेंगुलर हो, सर्कुलर हो, तो हमें एरिया ले लेना है, एरिया ऑफ द लूप। फॉर एन नंबर टर्न्स, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे एक टर्न है तो इतना है, एन नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि वायर के अगर इतने टर्न्स रहेंगे तब टॉर्क लिखेंगे एन आई ए इंटू। क्लियर है? इसी चीज को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम जानते हैं कि एरिया जो होता है वेक्टर होता है, तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। डायरेक्शन कैसे देखेंगे एरिया का, फॉर डायरेक्शन ऑफ एरिया, यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो ये एक लूप है, लूप है, तो इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन दोनों हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि इसमें करंट बह रहा है तो करंट की डायरेक्शन को देखना है। करंट की डायरेक्शन अगर इस तरीके से बह रहा है तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करना है, थंब का डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन देगा। ठीक है, यानी कि कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड अलोंग डायरेक्शन ऑफ करेंट, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। क्लियर है? तो इस बताओ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ रहा है इस फिगर में, आउटवर्ड, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो यही हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। वही अगर इसमें क्लॉकवाइज करंट होता तो इनटू द प्लेन, फिर अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक। हाँ सर, वो टर्म्स वाला नहीं समझ में आया कि नंबर ऑफ टर्न्स कैसे मतलब होगा। जैसे कि एक ऐसे क्वाइल है, इसमें करंट बह रहा है मान लेते हैं, तो इस पे टॉर्क लगा आई ए बी। अब इसी में हम एक ही वायर को ऐसे पकड़ के ऐसे हम कितने भी वायर घुमाए रहते हैं, मान लेते हैं n नंबर रहता, तो सब में तो करंट गया होता, हर एक वायर पे लगा होता। मतलब सोलेनोइड जैसे स्ट्रक्चर में ये लगेगा। हाँ, सोलेनोइड वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वो लेंथ बढ़ता जाता है, लेकिन जब
क्वायल और टर्न्स बोलेगा ना, तो लगभग कहेगा हमसे यही कि उसका थिकनेस नहीं बढ़ रहा है, रिंग टाइप का है, ठीक है? यस सर, ठीक है। लेकिन उसमें वायरिंग जो है वो एक ही वायर नहीं है, बल्कि बहुत सारे वायर लिपटे हुए हैं, ठीक है? यस सर। तो ये जो आया हमारा टॉर्क, टॉर्क जो है फाइंड करने के लिए आसान से हम लोग करेंगे, तो इसके लिए एक और हम लोग टर्म पढ़ते हैं यहाँ पे। टर्म क्या है? तो सिंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस पी, तो ये जो टर्म हमें दिख रहा है इसे हम लोग बोल एक अलग टर्म डिफाइन करते हैं, क्या? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अगर हम एन आई ए बोल रहे हैं, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं या फिर म्यू से, ठीक है, कैपिटल एम या फिर म्यू से डिनोट करते हैं, तो हम टॉर्क को लिख सकते हैं क्या चीज? एम क्रॉस पी। ध्यान से याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो टॉर्क पी क्रॉस बी ही आता था डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड पी क्रॉस बी। यहाँ भी वही चीज आ रहा है। आगे चल के हम ये बताएंगे एक दो लेक्चर में कि जो भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हो तो सारा का सारा डाइपोल ही रहता है, मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हम लोग उसे डाइपोल की तरह ट्रीट करके बहुत सारे काम इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पढ़े थे उससे आसानी से कर सकते हैं। तो वही अभी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्या है? तो इसका डिफिनेशन ही यही है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज अ एन आई इंटू ए, ठीक है? ये इसका डिफिनेशन है। इस वर्ड में चाहो तो लिख सकते हो कि फॉर अ करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज आई टाइम्स एरिया ऑफ द लूप, एन नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो एन आई इंटू एरिया, डायरेक्शन जो एरिया का डायरेक्शन निकाले तो वही मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? सर इसका कोई डेफिनेशन है? यही जो फॉर्मूला है वही, मतलब तो फॉर्मूला से डेफिनेशन है, मतलब फिजिकल क्या इसका इफेक्ट होगा उसका? नहीं, जैसे कि वहां भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन किए थे तो क्या कहे थे? ट्वाइस ऑफ क्यू इनटू एल, मतलब क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो वही चीज यहाँ भी, ठीक है? आगे चल के देखेंगे उसी टर्म में हम इसे भी बोल दिया अगर। तो इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दिखाया गया तो उसको फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे बताएगा? मैग्नेटिक डाइपोल होना चाहिए बस, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग एक लूप है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, तो करंट बह रहा है तो हमें दिख रहा है कि इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, ये दो पोल्स हमेशा एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो दो पोल्स है तो हमेशा दो दो पोल्स में ही रहता है, बाइपोलर ही रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मोनोपोल्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा डाइपोल बाइपोलर ही एग्जिस्ट करते हैं, तो हमेशा कोई सा भी सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डाइपोल की तरह ही ट्रीटेड होगा, ठीक है? और अगर करंट कैरिंग क्वाइल है, आई है, इसका कुछ भी, इसका एरिया कुछ भी है, तो इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइंड है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। क्लियर है सर? फिर तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बोल सकते हैं कि ये हमेशा डाइपोल जैसे एग्जिस्ट कर रहता है। कैसे सर? क्योंकि जो फील्ड लाइन्स है एक डायरेक्शन से आ रहा है और एक डायरेक्शन को जा रहा है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन से आ रहा है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है और जहां पे जा रहा है वहां पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो डाइपोल है।
तो जैसे कि वहां पे हमेशा थोड़े होता था, जब एक माइनस क्यू चार्ज और एक प्लस क्यू चार्ज रखते थे तभी तो होता था ऐसा। जैसे कि इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो कैसा मिलेगा हमें ऐसा, ठीक है। एक्चुअली में देखो तो यहाँ पे ऐसा लूप भी बनता हुआ दिख रहा है, बन रहा है ये यानी कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये बाइपोलर है, बाइपोल बना रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि अगर सिर्फ एक चार्ज होता तो ऐसा होता क्या? नहीं होता ऐसा। जब सिस्टम बनता है एक माइनस क्यू और प्लस क्यू कुछ फिक्स दूरी पे रखते हैं तब जाके बोलते हैं कि वहां इलेक्ट्रिक डाइपोल बना है। क्लियर है? सर, अगर अब तुम एक चार्ज कैसे? रहेगा तो जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो उससे चार्ज निकल रहा है तो वो निकल के कहीं पे भी तो कहीं तो जा रहा होगा, इन्फिनिटी पे नेगेटिव चार्ज तो तो मिल रहा है। इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ऐसा नहीं ना कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से निकला, ये लाइन जो है हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, ठीक है। सिंगल है, मोनोपोल हम बोल सकते हैं। जैसे अगर सिर्फ एक साउथ पोल होता, सिर्फ एक नॉर्थ पोल होता तो उसे हम डाइपोल नहीं कर सकते हैं। डाइपोल होने के लिए कंडीशन जरूरी है कि दो पोल्स एग्जिस्ट होने चाहिए। जैसे कि हम लोग चार्जेस के केस में डिफाइन करे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम तब कहते हैं जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, बोले थे, याद है? ठीक है, तब बोले थे कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है, सिंगल चार्ज रहेगा तो फॉर्म नहीं करेगा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा इसलिए नहीं कहते हैं या फिर अंडरस्टूड होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है कहीं से अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों होगा ही होगा, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो भी हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है? तो वेक्टर डिफिनेशन जो है वो में लिख लोगे, ठीक यस सर, हो जाएगा। है। तो डायरेक्शन तो वही होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज है। तो इस पे बेस्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। फाइंड एम, टाइम हो गया है क्या? यस सर ठीक है, फिर ध्यान ही नहीं था। नेक्स्ट क्लास भी है? सर मैथ्स सर पता सिक्स नहीं फिफ्टी से है, मतलब पता नहीं होगा कि नहीं। 6:50 से, मतलब 6:50 से कि 15 से? पचास से ठीक है, तो 10 मिनट तो ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट एम, मतलब दो चार क्वेश्चन है तो इसको खत्म ही कर लेते हैं। पहला इजी सा है, सॉल्व करके जल्दी जल्दी बताते जाओ। ये आर रेडियस है, करंट आई है डायरेक्शन के साथ, ठीक पहला में क्या आएगा बताओ? सर। आई इंटू पाई आर आई इंटू स्क्वायर पाई आउटवर्ड, स्क्वायर आउटकम आउट ऑफ द प्लेन। सेकेंड, करते आई इंटू ए बी इनवर्ड्स, थर्ड आई ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा इधर? यस सर। कभी कभी जो है इस तरीके का हमें लूप मिलेगा, ये हो गया एक्स वाई जेड।
ठीक है, ऐसे क्यूबिक है, ए साइड लेंथ है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है, जो सॉलिड लाइन है उसी में सिर्फ करंट बह रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो जीरो नहीं, जीरो कैसे होगा? सारा फेस जीरो कैंसिल कर दो। जीरो नहीं होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए स्क्वायर आई के कैप प्लस ए स्क्वायर आई जे कैप ऐसे ही कुछ आएगा, इस तरीके का कर सकते हैं। देखो इसे हम इस तरीके का दो लूप बना लेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, करंट आई जा रहा है, ये आई जा रहा है, इसमें अगर इधर आई आया तो इधर से ऐसा आएगा, ऊपर इसमें आई ऐसे जा रहा था, ये वाला लाइन जो था हमारा, इसमें अगर हम दोनों लाइन नहीं था लेकिन हम एक ऊपर और एक नीचे बना लिए, दोनों मिलकर हमें फिर से जीरो ही मिल रहा है, यानी कि अगर हमें पी क्यू लाइन को हम बोल रहे हैं तो हमें पी क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिख रहा है? यस सर। तो एक अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देख रहे हैं तो एक तो हमें एम वन इधर दिख रहा है, जो कि हम बोल सकते हैं आई ए स्क्वायर माइनस जे कैप, और इसकी वजह से देख रहे हैं तो ये इधर की तरफ मिल रहा है, यानी एम टू हम बोल सकते हैं आई ए स्क्वायर इंटू माइनस के कैप, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या मिल जाएगा? आई ए स्क्वायर माइनस जे कैप माइनस के कैप, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है, ऐसा सेमी सर्कुलर है, ठीक है, सेमी सर्कुलर है दोनों, ध्यान रखना, ये रेडियस ए है और ये रेडियस बी है, करंट इसमें ऐसा बह रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? सर पाई बाय टू इनटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनवर्ड्स। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा हमारा? पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटा देंगे, इनटू आई, और डायरेक्शन इनटू द प्लेन। सबको क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है तो इसे हम लोग ऐसा भी दो लूप बना के समझ सकते हैं, प्लस एक ये वाला, यानी कि ये रेडियस बी है और ये रेडियस, एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर होता है ना? हाँ, तो सेमी सर्कल का हाफ। अच्छा हाँ, ये जैसे बी है ये ए है, तो इसमें हमें करंट दिख रहा है ऐसा बह रहा है, और इस वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो करंट ऐसा बह रहा है, छोटे से पोर्शन को अगर हम अलग बना लिए हैं तो इसमें करंट ऐसा बह रहा है, इसकी वजह से अगर M1 लिखते हैं तो हमें क्या दिखेगा? I into pi b square by 2 into the plane, इसकी वजह से M1 लिखेंगे तो I pi a square by 2 ये आउट ऑफ द प्लेन, दोनों को जोड़ेंगे तो हम मिल जाएगा ये चीज pi b square minus a square by 2 into I, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। क्लियर है? इतना में किसी को दिक्कत? सर ये सब हम लोग एक लूप के लिए कर रहे हैं ना? हाँ, तो सर सिर्फ उस लूप से ना करंट जा रहा, तो एरिया वेक्टर भी तो सिर्फ उस लूप का लेना चाहिए।
हाँ तो उस लूप का ही एरिया वेक्टर है सर, तो यहाँ पे सरकमफेरेंस क्यों नहीं ले रहे हैं कि वायर तो सिर्फ सरकमफेरेंस का, तो एरिया तो उस वायर का होना चाहिए जिस वायर के थ्रू करंट जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। जैसे कि अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं तो जो डिराइव्ड है उसमें एरिया से ही है, तो इसलिए हम लोग ले रहे हैं। इसका डेरिवेशन हमें पढ़ना नहीं है, जो है फॉर्मूला वो याद रखना है, ठीक है। तो सॉलिड फिगर के लिए भी सेम ही होगा? सॉलिड फिगर के लिए हम पूछेगा ही नहीं है पहले। हाँ सर उसके लिए डिफाइंड है। सॉलिड फिगर में अगर वो मैग्नेट बनता है तो डिफाइंड है, ठीक है। उसको भी देखेंगे हम लोग कैसे मैग्नेटिक मोमेंट आता है, जनरेट होगा। एक सॉलिड बॉडी है तो उसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। उस एटम के रिवॉल्यूशन, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्यूशन की वजह से हर एटम के पास थोड़ा बहुत करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, और उस करंट में मैग्नेटिक मोमेंट हर एटम का होगा। वो सारा एटम एडअप होकर फिर एक मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेगा पूरे बॉडी का, ठीक है। Yes, तो वहां से आएगा, तो सारे चीज मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज में जो है पढ़ते हैं। तो वही ये सब चीजें अगर हम जानते रहते हैं तो समझना आसान होता है। ऐसा होना तो चाहिए, पहले वही बताना चाहिए क्या ये प्रॉपर्टी होता है, लेकिन एक्चुअली में वो समझने के लिए सब जानना जरूरी है। क्योंकि अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जान गए तो समझना आसान हो जाता है, तो इसलिए इस सिक्वेंस में रखा जाता है, ठीक है। ठीक है ठीक है, इस पे नेक्स्ट क्लास में और दो चार क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आगे का कहानी देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 34 है, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फिर चैप्टर नंबर 34 एचसी वर्मा चैप्टर 34 कंप्लीट, ठीक है। हाँ कुछ क्वेश्चंस इस डाइपोल मोमेंट पे रह गया है, और 35 वाले में जो हम बोले थे कि करंट कैरिंग दो अगर वायर पैरेलल रखे गए हो तो दोनों में फोर्स लगता है, वो चीज रह गया है। तो नेक्स्ट क्लास में वो सब चीजें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन इतना नॉलेज हो गया कि अब हम पूरा चैप्टर बना सकते हैं, तो पूरा बन कंप्लीट करो, ठीक है। यस सर, ठीक है फिर। थैंक यू सर, हो जाएगा तो फिर लगभग खत्म ही है हम लोग का, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म खत्म होगा, कुछ ज्यादा नहीं बचा इस चैप्टर में, अभी और तीन लेक्चर कम से कम लगेगा, तीन लेक्चर ज्यादा नहीं लगेगा। एक तो यही जो छूटा हुआ है वो, फिर दूसरा कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। सर एनसीईआरटी के हिसाब से कौन से चैप्टर तक हो चुका है अभी? फोर्थ चैप्टर हो चुका है और फाइव चैप्टर का भी कुछ पोर्शन हो चुका है, ठीक है। और मैग्नेटिज्म और मैटर वाला प्रॉपर्टीज सारे कर लेंगे, बार मैग्नेट का कहानी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, तो चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर, ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू टू। और सेमीकंडक्टर वाला फिर से बोल रहे हैं, जिस दिन भी पढ़ाई हो थ्योरी पढ़ते जाओ, ताकि रिवीजन करोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ लो, वो हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है फिर। बहुत थ्योरी है उसमें। हाँ थ्योरी ही तो है, इसलिए तो बोल रहे हैं कि बार बार पढ़ लो, और कहानी की तरह एक बार याद रख लिए तो सवाल बहुत आसान होते हैं। अभी नहीं बोल रहे मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए, सीट सॉल्व करोगे तो देखोगे कितना आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। और हर साल 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही, तो बहुत है। सर इस बार का मेंस का पेपर में कैसा एनालिसिस था फिजिक्स का? 20 तारीख वाला तो देखे थे, वो तो इजी था, उसके बाद अभी देखे नहीं है।
ठीक है, सिर्फ 20 तारीख वाला देखे थे, इजी था। बहुत सारे सवाल तो हमको दिख रहा था, हम लोग क्लास में उस टाइप का किए हैं, वैसा ही है, और उसी टाइप का क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बस तुम लोग ध्यान से उस चीज को करते जाओ और जितना कहा जा रहा करते जाओ। तुम लोग भी देखे ही होगे, देखे हो कि नहीं, यस सर, देखे तो आप कैसा लगा तुम लोग को जितना पढ़े हो उसमें? सर ठीक ही था। मैकेनिक्स का तो नॉर्मल नॉर्मल था, और अभी तक सब जितना नॉर्मल पढ़े ही हैं, था। अभी तक जितना पढ़े हैं उससे भी नॉर्मल ही पूछा था। हाँ, बहुत ही नॉर्मल, बहुत इजी हमको तो लगा था। ठीक है, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन था जो 20 तारीख वाला देखे तो उसमें वही था, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंका हुआ है और सेम काइनेटिक एनर्जी से रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, निकाल सकते हैं। यस फिर है, डिस्क को इंक्लाइन पे फेंक दिया है, टाइम पूछ रहा है, रेशियो बताओ, तो भी फॉर्मूला बेस्ड है लगभग, हमें दिख रहा है कि सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा है। एक जो है पैरेलल, जो हम लोग दो तीन बार दो तीन तरीके से सॉल्व किए थे, जो पैरेलल में बैटरी कनेक्टेड था रेजिस्टेंस के साथ, याद है? पेपर है क्या तुम लोग के पास? नो सर, पेपर तो नहीं, डाउनलोड करना पड़ेगा। ये 20 तारीख वाला है मेरे पास, तो उसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, रेजोनेंस जो था उसका है, सर ठीक इस है, साल वाला इसको एक पेपर पे बार हम देख लोग लेना वाला फिर। का भी इफेक्ट पड़ेगा क्या, मतलब इस साल जैसा आया, तुम लोग पे इफेक्ट पड़ेगा मतलब? मतलब हम लोग में भी वैसा वैसा क्वेश्चन पूछने का प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसे ही पूछता है। सर, मतलब कुछ कुछ टाइप का क्वेश्चन जैसा कुछ कुछ पूछा होगा तो वो हम लोग में भी वैसा कर सकता है। हाँ, एडवांस वाले में थोड़ा करता है, लेकिन इसमें तो ऐसे ही रहता है। पेपर दिख मिला? यस सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अभी जो चल रहा है उसी का बोल रहे हैं, ऐसा है, हो जाएगा। यस सर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये वाला हम लोग 3 4 मेथड से सॉल्व किए थे, ठीक सिक्स में तो पीवी कर दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8। यस सर, क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा 9 अभी रहने दो, अभी तो ईएमआई ईएमएफ का है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में है, ठीक है, फ्लक्स से रिलेटेड है, फ्लक्स अभी नहीं सर पढ़े हम इसमें लोग। सारा क्वेश्चन सर, सर हाँ इसमें उस शिफ्ट का सारा क्वेश्चन है फिजिक्स हाँ का। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, वेक्टर से पूछ रखा है, और एसी, अच्छा तुम लोग का भी नहीं हुआ है, एसी भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिक तरह का तो हाँ, मतलब मोस्टली क्वेश्चन देखोगे, अगर तुम नोट्स पढ़ोगे तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, 11th का टॉपिक हो या 12th का टॉपिक हो, ऐसा है। तो अगर अच्छे से पढ़ लो, और इसलिए बोल रहे हैं कि एचसी वर्मा मॉड्यूल जरूरी है, एचसी वर्मा को ही वो लोग रेफर करते हैं मेंस के लिए खास करके, अगर एडवांस के लिए है तब तो एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।
उसे एक बार देख लेना जो जो भी टॉपिक पढ़े हो उससे रिलेटेड। सर इसमें केवीपीवाई से भी थोड़ा रिलेटेड रहता जैसा वो सर पूछता। केवीपीवाई से रिलेटेड नहीं रहता उतना, दोनों का थोड़ा अलग है, वो थोड़ा थिंकिंग वाला ज्यादा देता है। ठीक है फिर।